हेलो एवरीबॉडी गुड इवनिंग वेलकम टू एन एकेडमी सेपियंस यूट्यूब चैनल दिस इज़ डॉक्टर प्रणाली मिश्रा और आज करने जा रहे हैं हम बायोलॉजी फुल सिलेबस मॉक तो बिफोर वी स्टार्ट आप मुझे बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में इफ़ आई एम लाइव ऑडिबल विजिबल एवरीथिंग इज़ क्लियर एक बार आप बता दीजिए सो वी कैन स्टार्ट बिथ आर सेशन देन बिल्कुल सेशन स्टार्ट करेंगे एंड हु वेल्स ज्वाइन कौन कौन बिल्कुल टाइम पर जॉइन कर चुका है आज का सेशन ग्रेट तो वी हैव अनिशा काजल सिल्वर महिमा फुल जोश के साथ रेडी हो क्या बात है अनुज निकिता ईशा सोनाली नेहा सूफिया सादाब विंकल सिया पियाली रोहन रिजू हेलो एवरीबडी अफ्रीदी सुरेंद्र रंजनी दीपक पूजा दर्शन मोनिरुल दिव्यानी राजिया गितिका गितिका आ जाती है बिल्कुल सही काम करना शुरू कर देती है ना अनुज रचना ईशा स्ट्रॉबेरी हेलो एवरीबॉडी सो लेट अस स्टार्ट विदा सेशन तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में हम लोग नाइन्टी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ठीक है वी आर गोइंग टू सॉल्व नाइन्टी क्वेश्चन ठीक है इन फोर्टी फाइव और फिफ्टी मिनट्स फिफ्टी मिनट्स में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अगर आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे यूल हैव टू यूज दिस रेफरल कोड रेफरल कोडे हो सकता है मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा हो प्रॉपरली मैं इधर भी लिख देती हूँ दिस इज माई रेफरल कोड बेटा मेरा रेफरल कोड है डॉक्टर प्रणाली लाइव आप जब भी अन अकेडमी पर अकाउंट बनाते हैं आप फ्री में क्लासेस एक्सेस करना चाहते हैं तब भी आप अकाउंट बनाएंगे तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तब भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं सो so, जब भी लेना है बिल्कुल कोड यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप कोई ऐसे हैं जिसका पी है जो आई और नीट साथ का पढ़ना चाहता है या किसी का भाई आई कर रहा है और बहन नीट कर रही है ऐसा कुछ है तो एक जम्बू ऑफर है कि आप नीट यू प्लस आई आई टी जे ई है ना जस्ट इन सिक्सटी थाउजेंड रुपीज़ आपको दो साल में दो एग्ज़ाम प्रिपेयर करने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम दैट जुलाई में कुछ बेहतरीन ऑफर्स हैं ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल एज़ प्लस सब्सक्रिप्शन मेरा एक बैच चल रहा है बेटा नीच ट्वेंटी टू का जो थर्टी जून से चल रहा है अभी दो तीन क्लासेस ही हुए हैं स्टिल नॉट लेट यू कैन स्टिल ज्वाइन माई क्लास और पूरी ज़ुलॉजी आप नीट की मुझसे पढ़ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के आज का सेशन आर यू ऑल रेडी क्या सभी लोग रेडी हो आप आर यू रेडी फॉर द क्विज आर योर ओ एम आरस रेडी क्या आप अपनी ओएमआर लेके बैठे जिसमें आप बबल फिल करेंगे जिसमें आप बबल फिलिंग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हम शुरू कर दें आज का नाइनटी क्वेश्चन का मैराथन कर दे क्या मैम बिल्कुल हाय दोश है आज तो कर दो तो चलिए ऑल द बेस्ट सेशन जब ख़त्म होता है तो मुझे आप आखिरी में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके नाइन्टी में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इज़ दैट क्लियर बेटा क्लियर है क्या चलिए लगता है बच्चों को बिल्कुल क्लियर है बच्चे बोल रहे सेशन शुरू कर देते हैं चलिए ऑल द बेस्ट बेटा क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन चलिए क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन पे आ गए हैं आ जाओ ठीक है क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है अ हायर कैटेगरी विथ असेंबलेज ऑफ स्वीट पटैटो एंड पटेटो फैमिली और एग्जिबिटिंग सिमिलर कैरेक्टर इज इक्वी टू अच्छा मतलब स्वीट पटैटो और पटैटो की जो वो है या कौन सी कैटेगरी है है ना जो रिजेंबल करती है सेम से किसके इक्विवेलेंट होगी ह्यूमन में ह्यूमन में किसके इक्विवेलेंट होगी सही आंसर बताना ना बेटा गलत सलत क्वेश्चन आ रहे बेटा अभी शुरू होगा ना फिर रैपिड होगा अभी शुरू तो होने दो अच्छे से पहले का आंसर क्या रहेगा ह्यूमन में ओके सो वेरी गुड वी हैव आंसर्स विथ अस तो हायर कैटेगरी कौन सी होगी वेरी गुड हायर कैटेगरी होगी अपनी सी ह्यूमन की बात करी है तो प्राइमेटा होगी होगी चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू टेक्सोनॉमिकल हर की करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू हाँ ऑर्डर बताना था बेटा क्या करेक्ट मैच है कौन क्विक रेफरल सिस्टम की तरह एक्ट करता है क्विक रेफरल सिस्टम कौन सा होता है मैम क्विक रेफरल सिस्टम हरबेरिया होता है प्लांट और एनिमल स्पेसिमिन कहाँ पर होते हैं मैम ये म्यूजियम में होते हैं एक्स सी टू कंजर्वेशन करना है तो बोटानिकल गार्डन में ले जाओ सीड को और ग्रो कर लो इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्स ऑन मोनोग्राफ तो इसका मतलब सेकेंड का आंसर हो जाएगा वन नेक्स्ट सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर ऑटोट्रॉफिक बट लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मतलब ऐसा पूछ रहे हैं कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक तो है मतलब खुद का खाना खुद बना लेता है मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन करता है लेकिन उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है अब उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है फिर भी वो खाना बना रहा है ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन है तो थर्ड का आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड का आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एंड दे आर कीमो कीमो ऑटोट्रॉफ तो इनको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं चाहिए ये ऐसे ही रॉक कर देंगे ऐसे ही फोटोसिंथेसिस कर लेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल वॉल बट हैज पैलिकल अब किसके पास वॉल नहीं है पर पेलिकल है बताइए सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं कमेंट बॉक्स में बढ़िया आंसर कर रहे हो ओके okay, तो किसके पास वॉल है वॉल नहीं है पर पेलिकल है तो द आंसर इज युग युगलीना जो है हमारा किंगडम प्रोटेस्टा में आता है इन भैया जी के पास पेलिकल है बट ही लैक्स वॉल दैट मीन्स वॉल इज एबसेंट नेक्स्ट ब्रांसड सेप्टेट एंड प्रीडोमेंट डायकर माइसीलियम इज प्रेजेंट इन अब कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए माइसीलियम के लिए ब्रांच भी होना चाहिए ओके okay. सेप्टेट भी होना चाहिए ओके प्रीडोमिनेंट डाइकियोटिक फेस होना चाहिए किस ऐसी माइसीलियम प्रेजेंट होती है बेटा प्रीडोमिनेंट जिसमें हो वेरी गुड तो फिफ्थ का आंसर आप लोग बता देंगे फिफ्थ का आंसर नहीं बताया वेरी गुड रिजू ने सही बताया फिफ्थ का आंसर इज क्लब फंगस फिफ्थ का क्या होगा क्लब बेटा ट्राई करो आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर दो है ना वेरी गुड इट विल बी टू क्लब फंगस होगा बेटा ठीक है एक गलत देता है उसको देख के बाकी सब गलत दे देते हैं अपना अपना दिमाग लगाओ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का लीनियस ने दिया था कि आर्टिफिशियल क्यूँ एक्सेप्टेबल नहीं था वाई वॉज इट नॉट एक्सेप्टेबल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज क्यू एक्सेप्टेबल नहीं था वेजिटेटिव कैरेक्टर पे बेस्ड था इसलिए नहीं नेचुरल एफिनिटीज थी नहीं नहीं ये इक्वल वेटेज देता था वेजिटेटिव और सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक को जबकि आपको भी पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को हम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते हैं मैम क्यों नहीं दे सकते बिकॉज देर इज अ डिफरेंस है ना एक टाइम के साथ चेंज होगा एक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा सिलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यू करियोटिक एम आर एन ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इनकरेक्ट कौन सा है गलत कौन सा है गलत कौन सा है बेटा विच वन इज रॉन्ग हाँ बिल्कुल सबके कमेंट्स देखते जा रही हूँ मैं कीप ऑन आंसरिंग आखिरी में बताना नाइन्टी में से कितने राइट थे इट हैज़ फाइव डैश यू टी आर एंड थ्री डैश सही थ्री डैश टेलिंग टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस सही फाइव डैश कैप हेल्प्स इन एफिशियंट ट्रांसलेशन सही स्प्लाइसिंग हेल्प्स इन रिमूविंग ऑफ एग्जॉन्स इन ज्वाइनिंग द इंट्रॉन्स गलत स्प्लाइसिंग क्या करता है बेटा स्प्लाइसिंग क्या करेगा वेरी गुड स्प्लाइसिंग क्या करेगा इंट्रॉन को रिमूव करेगा और एग्जॉइन को एग्जॉन्स को ज्वाइन सिलेजिनेला डिफर फ्रॉम कॉनीफर्स इन बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन नंबर एथ पे आएंगे अब सिलेजिना और सिलेजिनेला और कॉनीफर्स में कहाँ जाके डिफरेंस है वेयर इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेजिनेला एंड कॉनीफर एट का आंसर बता दीजिए जल्दी आंसर बताओ तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करवा पाऊँगी बेटा हाँ तो द आंसर इज द आंसर इज थ्री है ना लाइफ साइकिल के जो पैटर्न है वो दोनों में डिफरेंट है ठीक है और आंसर ऐसे बताओ कि एर्ट्थ का सी है एट्थ का सी है तो मुझे पता रहेगा किसका आंसर कर रहे हो है ना अगर आप ऐसे रेंडमली आंसर दोगे तो सबका नेट और स्ट्रीम अलग अलग स्पीड पे होता है मुझे नहीं पता चलेगा कि आपने सेवेंथ का बताया कि 8th का बताया कि आपने सही बताया कि नहीं इनफ्लोरेसेंस विद बेसी पेटल अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसी पेटल कौन सी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है और उसमें एक और चीज बता दीजिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन नंबर 9th पे आ जाइए ओके 9th का आंसर क्या होगा इनफ्लोरेसेंस जिसमें बेसिपिटल अरेंजमेंट है फ्लावर का वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिंजेल वेरी गुड और इसमें क्या होती है एपीपेटल स्टेमन होती है नाइस टेंड्रिल इन गार्डन पी इज मॉडिफाइड गार्डन पी में टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन है गार्डन पी में अब आंसर आ रहे हैं करेक्ट इसी स्पीड से आंसर बेटा.

इज़ सिंपल एंड फ्लैशी डेवलप्ड फ्राम इन्फीरियर ओवरी इज एग्रीगेट बेटा आंसर ऐसे दो कि इलेवेंथ का क्या है जैसे इलेवेंथ का थ्री है वेरी गुड इसी स्पीड से ये जो फ्रूट होता है ये सिंपल होता है मैंगो इज़ अ सिंपल ठीक है फ्लैशी होता है है ना खाया ही है यार मैंगो बढ़िया फ्लैशी फ्लैशी सा नहीं लगता है जूसी फ्लैशी इसमें मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी रहती है द लिविंग मैकेनिज्म टिश्यू द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के बारे में सही स्टेटमेंट बताएंगे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का क्या होगा हैज थिन सेलुलोजिक वॉल थिन होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे देगा ये भी नहीं ये भी नहीं इसके थिकंड सेल वॉल होते हैं कॉर्नर्स पे ठीक है इसके थिकंड क्या होते हैं बेटा सेल वॉल होते हैं कॉर्नर पे लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के वेरी गुड नेक्स्ट कंसिडर दी गिवन स्टेटमेंट तीन स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन डायकॉर्ट रूट द लिमिटिंग लेयर ऑफ स्टील हैज थेटर सेल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड स्कैटर्ड इन दोनोकॉर्ट स्टेम तो थर्टीन के लिए आपको क्या बताना है ये करेक्ट कौन सा है या इनकरेक्ट कौन सा है तो थर्टीन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा कौन बताएगा सबसे पहले थर्टीन का ओके ठीक है अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है फिर भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं इससे आपको नई चीजें सीखने को ही मिलेगी सिलेबस कंप्लीट हो नहीं हो फिर भी डेली नाइन्टी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्टीनथ का थर्टीनथ का आंसर हो जाएगा क्या होगा बेटा किसी ने भी सही नहीं बताया ऐसा लग रहा है मुझे थर्टींथ का हम्म इसका आंसर हो जाएगा सी ए इज इनकरेक्ट ग्राउंड टिश्यू में ज़रूरी नहीं है सिर्फ कॉम्प्लेक्स टिश्यू आए सिंपल भी तो आएंगे ए इज इनकरेक्ट नेक्स्ट रीडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर इन स्टीलर रीजन विद डार्क ब्राउन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें तो आप इसी से सॉल्व कर लो कि डार्क ब्राउन कलर हो गया क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपॉजिट हो गए ये कल के टेस्ट में भी आया था तो ऐसे में क्या होता है ऐसे में क्या होता है वेरी गुड हार्ट वुड हार्ट वुड ऐसा वुड होता है ठीक है जो डार्क हो जाता है कलर में क्यों क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल इस पर डिपॉजिट हो जाता है और ये क्या करता है बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है वाटर और मिनरल का इसीलिए इसको हार्ट वुड बोलते हैं यू करियोटिक सीलिया फ्लजिला हैज़ अरेंजमेंट यू करियोटिक सीलिया और फ्लजिला का क्या अरेंजमेंट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यू करियोटिक सीलिया और फ्लजिला का क्या अरेंजमेंट है वेरी गुड द आंसर इज नाइन प्लस टू अगर यही प्रोकैरियोटिक का पूछा होता तो आप नाइन प्लस जीरो लगाते हैं सिलेक्ट दी इनकरेक्ट मैच इसमें से आपको इनकरेक्ट मैच बताना है सिक्सटीन वालों में से इनकरेक्ट चलिए गोल्जिया पैरिटस पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल करता है क्या आर आर से सही माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड डी एन ए क्या सही राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सही बात है राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं है तभी तो वो प्रोकैरियोट में मिलता है फिर ये लाइसोसोम का एक्टिव एट बेसिक पीएच गलत इट इज एक्टिव एट दी एसिडिक पीएच तो सिक्सटीन का आंसर हो जाएगा वन सेवनटीन मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम टू स्पिंडल इक्वेटर हैपन्स इन अ पर्टिकुलर फेस ऑफ माइटोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द फेस विच कम्स बिफोर दिस फेस अच्छा तो ये बोल रहे हैं कि जो क्रोमोजोम का मूवमेंट होता है स्पिंडल इक्वेटर की तरफ जाते हैं ये वाले फेस के पहले कौन सा फेस आता है इसके पहले क्या होगा सेवेंटीनथ वाला पूछ रहा है इसके पहले क्या होगा जल्दी जल्दी आंसर दे दो बेटा है ना जल्दी जल्दी दे दो नाइन्टी क्वेश्चन करने हमें नाइन्टी क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा है ना डेली का टारगेट तभी पूरा होगा हाँ तो इसका आंसर है फोर्थ मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टूवर्ड्स अपोजिट पोल जब सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाएंगे इसी के बाद तो क्रोमोजोम मूव होंगे और स्पिंडल इक्वेटर पे जाएंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मीओसिस बाय वैलेंट क्रोमोजोम फर्स्ट टाइम क्लियरली अपीयर एज टेटराड टेटराड कहाँ अपियर होते हैं सबसे पहले वेयर विल टेटराड अपियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये आपसे पूछा है बताइए क्वेश्चन नंबर एटीन हाँ क्वेश्चन नंबर एटीन बता दीजिए का आंसर क्या होगा वेरी गुड इट विल बी पैकेटीन द आंसर इज टू करेक्ट फॉर टर्जिड सेल टर्जिड सेल के लिए कौन सी इक्वेशन राइट है टर्जिड सेल के लिए कौन सी क्वेश्चन राइट right है बेटा इनमें से कौन सा सही है अबाउट द टर्ज सेल बताइए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आपको नाइन्टीन लिख के आंसर करना है ना नहीं तो हाउ विल आई नो कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वेरी गुड बेटा सबको एक बार शाउट आउट दूंगी मैं जो जो सही आंसर कर रहे हैं आखिरी में सो द आंसर विल बी नाइनटीन का सी है ना सोल्यूट पोटेंशियल जो रहता है इट इज़ जीरो इन द केस ऑफ द टर्जिड सेल ये बेटा मेरा कम ये दिख रहा है ना कोड ये कोड यूज करके आप अन अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप यही कोड यूज करके एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ ले सकते हैं ठीक है आ जाओ बेटा मनीषा एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड ठीक है आ जाओ ओके इट इज बोरोन को क्या हो जाएगा बोरोन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्रोटॉन्स मूव फ्रॉम डैश टू डैश सिंथेसाइज एटीपी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन क्या होगा कहाँ से कहा जाएंगे कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्रोटॉन कहाँ से कहा जाएंगे वेरी गुड द आंसर विल बी ट्वेंटी वन का थ्री ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाएंगे प्रोटॉन ठीक है सो दैट दे कैन सिंथेसाइज द एटीपी नेक्स्ट टोटल नंबर रिड्यूस्ड को प्रोड्यूस्ड इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स फ्रॉम वन ग्लूकोजेस एक ग्लूकोज से है ना कितने चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है रिड्यूस्ड को कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा ट्वेंटी टू का आंसर बता दीजेंगे आप लोग अभी तक क्या ट्वेंटी वन का ही आंसर आ रहा है क्या ग्रुप में वेरी गुड प्रीति वेरी गुड मुग्धाश्री द आंसर इज टू ए एन ए डी एच एच प्लस प्लस टू एफ ए डी एच टू प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज से एक सी सिक्स एच सिक्स से ऑल ऑफ द फॉलोविंग आर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एक्सेप्ट इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं है इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं है या तो ऐसा बता दो कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एक्सेप्शन पूछा है ना वेरी गुड तो आंसर इज फर्स्ट आई बी ए इंडोल ब्यूट्रिक एसिड इज नॉट आर्टिफिशियल नेक्स्ट पिंक कलर प्रोड्यूसिंग स्नैप ड्रैगन प्लांट को सेल्फ क्रॉस कर लिया ये पिंक था पिंक को पिंक से क्रॉस कर दिया तो जीनोटिपिक रेशो नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा आएगा ये चीज़ें तो मैम हमें लर्न ही हो जाती है ये तो हमें याद ही है मैम पूरा जीनोटाइप रेशियो याद है हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस का द आंसर इज वन इज टू टू इज टू वन जब ऐसा क्रॉस होगा तो एक प्रोड्यूस होगा आर आर इज रेड दो प्रोड्यूस हो जाएंगे पिंक और ये हो जाएंगे वाइट सो दिस जीनोटिपिक रेशो विल बी सीन इन द स्नैप ड्रैगन फाइंड ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के हिसाब से आपको ऑड वन बताना है जहाँ पर या तो ऐसा भी बोल सकते हैं जहाँ पे क्या नहीं मैटर करती है क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है कलर मैटर कर रहा हो जैसे तो ऑर्ड वन विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी ठीक है तो ये भी लेंथ है कलर है ये भी क्वांटिटी आई कलर नहीं बेटा इट इज़ अ क्वालिटेटिव ट्रेट ट्वेंटी फिफ्थ का डी वाला हो जाएगा अपना क्वालिटेटिव वेरी गुड सुहेल नेक्स्ट सिकल सेल अनिमिया कैसा डिसीज है सिकल सेल अनिमिया कैसा डिसीज है वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सिकल सेल अनिमिया कैसा डिसीज है ठीक है बताइए वेरी गुड सिकल सेल अनिमिया कौन सा है इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव इट इज ऑटोसोमल रेसेसिव क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूशन ए ए प्लस एक्स एक्स वाई ये एक्स एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा वॉट इज दिस एक्स एक्स वाई गोइंग टू रिप्रेजेंट ओवर हियर राइट राइट बता दीजिए ट्वेंटी सेवन क्या कर रहा है बेटा एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई वेरी गुड अनुज ये क्या बता रहा है वेरी गुड बनो क्लाइंट फिल्टर मेल बता रहा है एक्स एक्स वाई क्लाइंट फिल्टर मेल बता रहा है एनसीईआरटी में ही दिया है सब कुछ नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट दी करेक्ट वन वेरी गुड रुबेल अलकेश पियाली जयन मनीषा हज़रा हिना निकिता एस के वो व्लॉग अलकेश चीकू नीरज ईशा गीतिका रिया कशिश श्रद्धा आशा प्रवीण संदीप बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर इसमें आपको करेक्ट करेक्ट बताने हैं करेक्ट करेक्ट कौन से हैं विच वन इज करेक्ट नीट की कोई अपडेट नहीं है बेटा अभी तक जैसे अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगी और आप मुझे क्या बता दो ट्वेंटी एट का आंसर बता दो ही ट्वेंटी एट का क्या आंसर होगा ट्वेंटी एट अभी तक मुझे किसी का भी सही आंसर नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में ट्वेंटी एट बताइए जल्दी से ट्वेंटी एट का क्या होगा बेस पेयरिंग नहीं स्टेबिलिटी देगा क्या डीएनए हेलिक्स को बेस पेयर नहीं देता है क्या गलत बता रहे हो आप लोग बेस पेयरिंग देगा कि नहीं देगा आप तो ये बताओ द आंसर शुड बी बी ना बेस पेयरिंग क्या कर रहा है कन्फर्ट दे रहा है ना स्टेबिलिटी दे रहा है ना चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर्स इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होती है कौन सी चीज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में होती है आंसर ऑन द कमेंट बॉक्स जल्दी से टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट ओके okay, तो आंसर हो जाएगा टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का तो ट्वेंटी नाइन पर है ना हम तो ट्वेंटी नाइन बताओ बेटा ट्वेंटी नाइन का हो जाएगा फोर है ना इट विल बी फोर आर आर एन सिंथेसिस कॉन्स्टिट्यूटिव जीन ऑफ लैक ओपरॉन इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन लैक ओपरॉन का कौन सा है थर्टी कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कौन सा होगा और जल्दी आंसर करने का ट्राई करो हेलो निकिता हेलो एवरीबॉडी कृतिका ओके जो भी न्यू बच्चे हैं बेटा हेलो वेलकम टू द सेशन ये क्लास हमारी डेली रात को आठ बजे होती है तुरंत आ जाया करो क्लास में द आंसर इज़ वन आई जी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वी एन टी आर का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है वी एन टी आर का क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है वी एन टी आर किसकी तरह काम करते हैं वेरी गुड हाँ ऐसे लिखो ना कि थर्टी का आंसर क्या है थर्टी वन का क्या है इससे समझ आएगा कि आप किस चीज़ का आंसर दे रहे हैं चलिए थर्टी वन पे आ जाइए वेरी गुड थर्टी वन का आंसर क्या हो जाएगा इट विल बी इसकी तरह काम करता है वी एन टी आर वेरी गुड इट विल एक्ट एज लाइक वेरी गुड वेरी गुड बढ़िया आंसर दे रहे हो नेक्स्ट विच वन ऑफ फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ठीक है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है बेटा वी एन टी आर वाला मिनी सैटेलाइट है ना इसका आंसर मैंने आप लोगों को बताया नहीं कुछ कुछ बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं वी एन टी आर मिनी सैटेलाइट्स होते हैं बच्चे बी आंसर दे रहे हैं गलत दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू कौन कौन सी चीजें फर्टिलाइजेशन के बाद होती है तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है तो द आंसर विल बी थ्री डेवलपमेंट ऑफ जयगॉट डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैसी जायगॉट बन रही है है ना कैसा डेवलप हो रहा है ये सब लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है in with. में कैसे माइटोसिस होता है थर्टी थ्री थर्टी थ्री थर्टी थ्री पे आ जाएंगे हम लोग जल्दी से ठीक है तो एक्चुअल में क्या होगा बेटा कि जायगॉट अंडरगोज माइटोसिस तो किस किस में माइटोसिस हो जाएगा ठीक है बी में भी हो जाएगा और सी में भी हो जाएगा इनकी मोस्टली डिप्लोंटिक रहेगी तो माइटोसिस से डिवाइड होगा ठीक है जिनकी हेपलोंटिक लाइफ साइकिल होती है इसमें मियोसिस से जाइगॉड डिवाइड करता है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कौन सी चीज फॉर्म होती है इससे ईजी क्वेश्चन तो बेटा होता ही नहीं है इससे ईजी तो क्वेश्चन ही नहीं है इसके तो नाम में ही काम है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या बन रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है तो माइक्रोस्पोर बन रहा है द आंसर विल बी टू सिलेक्ट दी इन करेक्ट मैच आपको गलत मैच चूज करना है इसमें से मैं पढ़ देती हूँ पोलन ग्रेन विथ म्यूसिलेज कवरिंग एंटोमोफिली में प्रेजेंट होती है जेनेटिकली सेल्फ बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जीटनोगेमी में होता है फ्लावर ऑफ ऑफन हैविंग सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एनिमोफिली ठीक है और फ्लोरल रिवॉर्ड एज प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स ये एमोरफोफेलिस में होता है तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या है इसका आंसर इनकरेक्ट होगा ये वाला बाकी तो सारे करेक्ट है ये सब करेक्ट है दिस इज इनकरेक्ट तो ये आंसर होगा इन अ टिपिकल एनजियोस्पर्म तुम आप मेज की बात कर लो तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होगा मैम ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की क्या प्लॉयडी होती है होता है नहीं डिप्लॉइड होता है नहीं ट्रैक्ट्राप्लॉइड नहीं होता इट इज होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन अ प्लांट इफ एग फॉर्म डिप्लॉइड प्लांट में अगर एग जो बन रहा है सोच सकते हो तुम कि एग डिप्लॉइड है ठीक है तो क्या प्लॉइडी होगी सेकेंडरी न्यूक्लियस की बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ठीक है सेकेंडरी न्यूक्लियस की क्या प्लॉयडी होगी आप लोगों से ये पूछ रहा है थर्टी सेवन तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्लॉयडी होगी सेकेंडरी न्यूक्लियस की क्या प्लॉयडी होगी वेरी गुड थर्टी सेवन का आंसर दे दो वेरी गुड डिम्पल बढ़िया आंसर कर रहे हो थर्टी सेवन थर्टी सेवन का आंसर हो जाएगा थ्री इट विल बी टेट्राप्लॉयड टेट्राप्लॉयड होने लगेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पम नहीं पूछा है सेकेंडरी न्यूक्लियस पूछा है सेकेंडरी न्यूक्लियस पूछा है बेटा टेट्राप्लॉइड अगर आप एक्सोटिक कलेक्शन देखोगे वीट का राइस का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में था तो कौन सा है वीट का कौन सा है और राइस का कौन सा है एग्जॉटिक कलेक्शन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में यूज हुआ था थर्टी एट थर्टी एट आ जाओ कौन सा वीट uh, का था और कौन सा राइस का था वेरी गुड आंसर इज वीट का था सोनारा सिक्सटी फोर और राइस का था आई आर एट तो थर्टी एट का आंसर हो जाएगा थ्री नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन सा है करेक्ट आपको बताना है थर्टी नाइन ठीक है पूरव इज इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ रेप सीड मस्टर्ड फॉर रेजिस्टेंट ऑफ वाइटर सवानी इज इम्प्रूवड वेराइटी ऑफ ओकरा फॉर द रजिस्टेंट ऑफ एफिड नई मे इज इज इन लाइसिनटल पॉल्यूशन करता है environmental pollution. तो आंसर हो जाएगा थ्री इफ सीवेज वाटर इज मोर पॉल्यूटेड अगर सीवेज वॉटर ज्यादा पॉल्यूटेड होगा तो क्या हो जाएगा अगर सीवेज वॉटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया तो क्या होगा इसका मतलब क्या है ठीक है इसका मतलब क्या है बीओडी ऑफ द वॉटर इज लेस नहीं अगर ज्यादा पॉल्यूशन है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द वाटर इज मोर सही बात है जितना ज्यादा पॉल्यूटेड है उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है डिजोल्ड ऑक्सीजन मोर नहीं होती है डिजोल्व कम हो जाती है तो ये भी गलत है ऑटोट्रॉफिक हेड्रोट्रॉफिक दोनों प्रेजेंट होते हैं इसीलिए ये भी गलत है तो फोर्टी का आंसर हो जाएगा टू हाँ कमेंट बॉक्स में देख रही हूँ एक दो बच्चों सही आंसर दो बेटा अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल प्लांट डिसीज प्लांट डिसीज के ट्रीटमेंट में कौन यूज़ होता है प्लांट डिसीज के ट्रीटमेंट में कौन यूज़ होता है डिसीज का ट्रीटमेंट पूछा है ये तो पेस्टिसाइड है है ना ये बी ये एंटीबायोटिक है तो प्लांट डिसीजेस के लिए तो आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा फोर्टी वन का हो जाएगा फोर मैक्सिमम बच्चों ने बीटी लगाया है ये प्लांट डिसीज को ट्रीट नहीं करता है पेस्ट को मारता है पेस्टिसाइड है मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल आपको किस में मिलेगा म्यूचुअलिज्म मतलब ऐसा रिश्ता जहाँ पर वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते इसे म्यूचुअलिज्म बोलते हैं भैया बैड बॉय इतने सारे डी कमेंट कर दोगे क्या ठीक है बताओ म्यूचुअलिज्म का क्या एग्ज़ाम्पल है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप इसमें भी मेनली पॉलीनेशन कि एक प्लांट है वो अपना पॉलिनेशन एक पर्टिकुलर एनिमल से ही करवाएगा उसके बिना पॉलिनेशन नहीं होगा और वो एनिमल प्लांट पे कैसे डिपेंड करता है फॉर ओ वी पोजिशन कि मैं तो मेरे एग यहीं ले करूँगा इसके अलावा कहीं नहीं कर पाऊँगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन का एग्जाम्पल नहीं है तो बेटा प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है ऐसा सक्सेशन होता है जहाँ पर अभी तक कोई भी वेजिटेशन या प्लांट एनिमल प्रेजेंट नहीं है नई जगह जाके वेजिटेशन करना नई जगह जाके फॉरेस्ट बनाना वो प्राइमरी सक्सेशन है अब कट फॉरेस्ट में तो पहले तो था ना पहले तो वेजिटेशन था उसको कट कर दिया तो फिर से ग्रो करना आसान है पर कूल्ड वॉलकैनिक लावा सैंड ड्यून्स इग्नियस रॉक यहाँ पर अभी क्या हुआ है यहाँ पर अभी नामों निशान नहीं है लाइफ का सॉइल नहीं है सॉइल भी बनाना है बहुत कुछ करना है ठीक है नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी इज एनर्जी पिरामिड कैसा होता है फोर्टी फोर एनर्जी का पिरामिड इनमें से कैसा होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी वेरी गुड एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा मतलब हमेशा ऐसा होगा कि जो ये है पहला ट्रॉफिक लेवल उसमें ज़्यादा एनर्जी फिर सेकेंड पे और कम थर्ड पे और कम और फोर्थ पे और कम उट एक्सेप्शन बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डी डी टी लीड्स टू डी डी टी का जो बायो मैग्निफिकेशन होता है उससे क्या होता है ठीक है बताना बायो मैग्निफिकेशन ऑफ द डीडी टी इसमें भावुक मत हो जाना बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को सोच समझ के करना ठीक है तो बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डी डी टी इट्स इंक्रीज कंसेंट्रेशन इन फैटोव गलत फिशेस में ज्यादा कंसंट्रेशन जितना ऊपर जाओगे ट्रॉफिक लेवल में उतना ज्यादा इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन इन बर्ड्स सही बात है फिर ये वाला गलत है बेटा इंटरफेरेंस विथ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विच कॉज थिकनिंग थिकनिंग नहीं करता है शेल को थिन कर देता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो शेल थिक होगा कि थिन होगा बच्चे डी लगा रहे हैं है ना बच्चे पागल है डी ऑप्शन के पीछे कि मैम ऑप्शन डी होता है बोथ टू एंड थ्री तो आंसर यही होता है हमने ऐसा है ना पुरानों में पढ़ा है है ना कि ऐसे ऐसे ऑप्शन होता है ना तो तुक्का लगा दो तो वो सही होता है ऐसा नहीं है बेटा इसका आंसर है टू ध्यान से पढ़ना था थिनिंग है ऑनको जीन्स आर एसोसिएटेड विथ कितना ईजी क्वेश्चन है ऑनको जीन्स किसके साथ एसोसिएटेड है ऑनको जीन्स किसके साथ एसोसिएटेड है फोर्टी सिक्स ओनको जीन्स आर एसोसिएटेड विद दी कैंसर ओनको का मतलब ही कैंसर होता है ओनको का मतलब ही क्या होता है बेटा ट्यूमर होता है नेक्स्ट द टर्म मोलिकुलर सी इज यूज इन बायोटेक्नोलॉजी टू रेफर टू ये मॉलिकुलर सिजर जो वर्ड यूज हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी में किस लिए हो रहा है बेटा सबके कमेंट पढ़ रही हूँ बढ़िया आंसर कर रहे हो ना करते जाओ फोर्टी सेवन मोलिकुलर सिजर किसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन को मोलिकुलर सीजर किसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को सिलेक्ट दी करेक्ट पेयर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विच प्रोड्यूस ब्लंट एंड इसमें ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है फोर्टी एट ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है बेटा फोर्टी एट का आंसर बता दो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ब्लंट एंड कौन प्रोड्यूस करता है वेरी गुड वेरी गुड बताइए आंसर बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो बेटा क्लास डेली रात को आठ बजे होती है आप तो आठ बजे आ जाया करो नाइन्टी बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है फोर्टी एट का आंसर होगा सी इकोआरवी आर वी एन एस एम ए वन दे आर दी ब्लंट एंड प्रोड्यूसिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सिलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को जो बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़ चूज करनी है पेरी पैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनलीडा एंड आर्थोपोडा सही बात है म्यूटेशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था क्या नहीं हिगहुगो दी व्रीज लुइस पाशर ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था क्या नहीं लेमार्क ने दिया था द फिंचस ऑफ गैलापेगोज आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फॉर्म ऑफ स्पेशल क्रिएशन नहीं नेचुरल सिलेक्शन बताती हैं वो ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्टी नाइन का वन फोर्टी नाइन का क्या आंसर हो जाएगा वन बहुत बढ़िया हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन में टू पी क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है वॉट डज टू पी क्यू रिप्रेजेंट इन दी हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है फिफ्टी बताओ होमोजाइगस रेसेसिव तो क्यू से पता चलता है नहीं होमोजाइगस तो पी से पता चलता है डोमिनेंट है ना और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस साथ में नहीं बताता है टू पी क्यू होता है हाइट्रोजाइस तो न फिफ्टी का आंसर हो जाएगा टू विच ऑफ द फॉलोविंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग एंड इट्स यूज कौन से ड्रग को गलत मैच करा है ठीक है टेक्सॉल ट्रीट कैंसर सही बात है बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी ड्रग होता है सही बात है मॉर्फिन सिडेटिव एंड किलर सही बात है ना पेन किलर की तरह यूज होता है सर्जरी वाले को जो अंडरगोन होता है सर्जरी उसे मॉर्फिन देते हैं एम फिटामिन इज नॉट डिप्रेसेंट इट इज़ अ स्टूमलेंट इसको लेके डांस करने लग जाता है इंसान ठीक है तो यू इन करेक्ट करेक्ट द फॉलोइंग एनोलॉजी बाय चूजिंग दी अच्छा कंप्लीट करनी है आपको ये एनोलॉजी करेक्ट ऑप्शन यूज करके रेप्टाइल्स क्या होते हैं पोइक्यूलोथर्म होते हैं तो इनमें से होमियोथर्म कौन सा होगा ये आप ऑडवन आउट से भी सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इसको आप ओडवन आउट से भी कर सकते हैं मैमल मैमल होते हैं वाम ब्लडेड हाँ मैम हमारा गर्म खून है ना उबलता रहता है वाम ब्लडेड होते हैं मैनमल मैमल बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है कोल्ड ब्लडेड चलिए हॉलो लॉन्ग बोन्स विथ एयर कैविटीज आर फाउंड होलो लॉन्ग बोन्स जिसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है वो किस में मिलेगी रेप्टाइल्स में मिलेगी कछुए में मिलेगी कैंगरू में मिलेगी नहीं काओ में मिलेगी क्रो में मिलेगी है ना पिस्टेक्यूला में मिलेगी पैरट जितने भी बर्ड होते हैं उनमें जो बोन मिलती है दैट बोन इज नोन एज न्यूमैटिक बोन इस बोन को क्या बोला जाता है इस बोन को न्यूमैटिक बोन बोला जाता है ठीक है तो ताकि उड़ने में मदद करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को बताओ टेम्परेचर अफेक्ट करता है क्या पीएच अफेक्ट करता है क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अफेक्ट करता है क्या हाँ मैम सही बोल रहे हो तीनों चीज़ें एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है ना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डी हो जाएगा कम होगा तो एक्टिव नहीं होगा एक ऑप्टिमम पी भी होना चाहिए तो आंसर हो जाएगा फोर मिडिल ईयर कैविटी इज कनेक्टेड विथ दी फैरिंग्स बाय मिडिल ईयर कैविटी फैरिंग्स से कैसे कनेक्टेड रहता है बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बेटा कमेंट बॉक्स में नीट तक बस ऐसे ही करते रहो है ना आखिरी में मुझे मार्क्स भी बताना बिल्कुल और जो बच्चे लाइव नहीं है और अभी रिकॉर्डिंग देखोगे जब भी आप लोगों को भी कमेंट करना है कि कितने मार्क्स आए हैं ना इट इज यूस्टेशन ट्यूब प्रेशर बैलेंस करता है ये है ना तो मिडिल ईयर को नेजो फैरिंग्स और मतलब फैरिंग्स से, से कनेक्ट कर देता है ठीक है सेकेंड मैसेंजर इन टारगेट सेल आर एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू कौन से हॉर्मोन्स के लिए आपको क्या चाहिए सेकेंड मैसेंजर चाहिए कौन से हॉर्मोन के लिए सेकेंड मैसेंजर चाहिए तो हम लोगों को एक बात पता है कि जो स्टीरोड हॉर्मोन होते हैं ना इनको ना सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है ये खुद ही घुसे चले जाते हैं न्यूक्लियस में लेकिन जो पेप्टाइड हार्मोन है ना इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत है क्योंकि दे केन नॉट एंटर न्यूक्लियस है ना तो द आंसर विल बी 56 का आंसर विल बी इंसुलिन बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग वेरी गुड चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर कौन सी मेथड में अगर आपको जीन ट्रांसफर करना है तो आपको एक वेक्टर की जरूरत नहीं है एक वेक्टर की जरूरत नहीं है वेक्टर की ज़रूरत प्लाज्मिड में तो है कॉस्मिड में भी है य, हाँ, वसी में भी है इसमें नहीं है इलेक्ट्रोपोरेशन में नहीं है इसमें इस पोर कर देते हैं और पोर के थ्रू भेज देते हैं रोज क्लास लेते हैं बेटा एट पी डेली इवनिंग क्लास एट एट पी डेली रात को आठ बजे आ जाया करो मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए द आंसर टू कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है आउटर ईयर में और बिटवीन दी एडजेसेंट बोन आउटर ईयर में कौन सा है और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कौन सा है दो बोन्स के बीच में दो वर्टिब्रल बोन्स में क्या है फिफ्टी एट फिफ्टी एट का बता दीजिए आप जल्दी से बताओ बेटा फिफ्टी एट का आउटर ईयर में कौन सा होता है सही बात है मैम आउटर ईयर में तो हमारा इलास्टिक होता है और ये वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा होता है वर्टिब्रल कॉलम में वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है तो द आंसर इज थ्री रिंग वॉम डिसीज इनमें से किससे कॉज नहीं होता रिंग किससे कॉज नहीं होता रिंग माइक्रोस्पोरम से भी होता है रिंग वॉर्म ट्राइकोफाइटॉन से भी होता है रिंग एपिडर्मोफाइटोन एपिडर्मोफाइटॉन से भी होता है तो रिंग किससे किस नहीं होता है वो चरिया से नहीं होता है इट इज अ फिलारियल वॉम इससे क्या होता है मैम फिर इससे एलिफेंटियासिस होता है इसको हिंदी में हाथी पाव बोलते हैं पैरों की जो लिम्फ वेसल है ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है फुल जाती है कभी कभी तो ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इन दी जेनाइटल रीजन चूज द इन करेक्ट मैच इनकरेक्ट मैच आप लोग बता दो गलत मैच कौन सा है सिक्सटी गलत मैच आप लोगों को बताना है फॉलोविंग इज ए रॉन्ग मैच गलत मैच बताओ पेनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं आईलेट्स ऑफ लैंग इंसुलिन हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं सही बात है पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन निकलता है जो क्या करता है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है सही बात है ना बोन से ब्लड में कैल्शियम लाता है वैसो प्रेसिन मतलब एडीएच डी एच एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ए डी एच मतलब डायूरसिस को प्रिवेंट करता है ये भी सही बात है मतलब ये गलत है ये स्मूथ मसल को स्टमुलेट नहीं करता कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसके लिए ऑक्सीटोसिन होता है जो स्टमुलेट करता है फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लाइक डैश एंड डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन ठीक है चलिए बताइए कौन सा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग देते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के टाइम सिक्सटी वन और कौन सी इम्यूनिटी ग्राफ्ट रिजेक्शन करवाती है ठीक है वेरी गुड द आंसर इज फोर्थ साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव होती है ताकि ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी विथ टी लिम्फोसाइट ये क्या करती है ग्राफ्ट रिजेक्शन में मदद करती है विच ऑफ द फॉलोविंग टेक्निक इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज कौन करता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एलाइजा तो रेडिएशन ही नहीं यूज़ कर रही एंजाइन लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंटीजन एंटीबॉडी पीसीआर भी नहीं कर रही सीटी स्कैन में तो लगेगा बेटा तो किस में नहीं लगेगा किस में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज हो रहा है तो द आंसर इज एम आर आई इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस यूज होता है मैग्नेटिक एसिड आपके स्टमक में है सलाइवा माउथ में है ये कौन से बैरियर की तरह एक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम में ये किस तरह का एक्शन करते हैं सब फिजिकल नहीं स्किन है वो तो सेलुलर सेल cell थोड़ी है ये साइटोकाइन भी नहीं इट इज़ फिजियोलॉजिकल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बनाया था एसिड और सलाइवा पर इसने क्या करा बैरियर प्रोवाइड करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है यानी गलत है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट चलिए नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं सारे स्टेटमेंट सिक्सटी फोर ठीक है गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन है सही बात है पहली जीन थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी सही बात है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रांसजेनिक एनिमल से यूज़ होता है निकालते हैं और एमफाइसेमा मोकर डिसीज ट्रीट करने के लिए यूज होता है सही लेकिन जब रेडीमेड एंटीबॉडी यूज इंजेक्ट करते हैं उसको एक्टिव इम्यूनिटी नहीं बोलते उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं जब रेडीमेड एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डालते हैं तो स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बीटी कॉटन बीटी कॉटन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बता दीजिए आप करेक्ट अबाउट बीटी कॉटन कौन कौन से करेक्ट हैं सिक्सटी फाइव ठीक है क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी इसको थोड़ी कंट्रोल करता है साइलेंस लिमिटोड नहीं बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता बेसिलस थ्रिजी एंसिस होता है इसका मतलब बचा क्या थ्री हाई यील्डिंग रेजिस्टेंट वैरायटी होती है कॉटन की जो लैपिडोपटैरिन और बॉल वॉम को नहीं ग्रो करने देती है विच ऑफ द फॉलोविंग इज इन करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट होमिनेड्स फिशी इनकरेक्ट बताना है मतलब गलत बताना है कौन सा गलत होगा इसमें से आप लोगों को क्या लगता है कौन सा गलत है ये तो सही है इरेक्टस भी सही है नियंडर भी सही है मॉडर्न होमोसेपियन की कम दी है अपन इतने कम है क्या हमारी क्रेनियल कैपेसिटी गलत बात है कॉपर रिलीजिंग आई कौन सी है इसमें से कॉपर कौन रिलीज करेगा नहीं ये तो कुछ नहीं करेगा ये हार्मोन करेगा ये हार्मोन करेगा मतलब ये कर रहा है कॉपर मल्टीलोड थ्री सेवन फाइव द कंट्रोल ऑफ बैक्टेरियल पैथोजन बाई सल्फा ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैम कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया जब सल्फा ड्रग यूज होता है ना बेटा किसी का भी एक्शन कंट्रोल करने के लिए वो बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है ठीक है सल्फा ड्रग कॉम्पिटिटिव इन्हीबिशन करता है जहाँ पे उसकी एक्टिव साइड होती है वहाँ पे जुड़ जाता है कंप्लीशन ऑफ द मिओटिक डिविजन ऑफ द सेकेंडरी ऊ साइट इज इंड्यूस्ड बाय ठीक है तो जो सेकेंडरी ऊसाइट का मियोटिक डिवीजन कैसे कंप्लीट होता है सेकेंडरी ऊसाइट का कैसे कंप्लीट होता है बता दीजिए हाँ तो जब एक्रोजोम के सिक्रीशन आते हैं स्पर्म साइटोप्लाज्म ऑफ दी ओवम के अंदर इंसर्ट होता है जोना पैलेसुडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तब जाके सेकेंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है वॉट इज़ द मेकनिज़म ऑफ एक्शन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन हॉर्मोन ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बता दीजिए सेवेंटी प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है ठीक है बताइए हाँ प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है सेवेंटी वेरी गुड ये क्या करेगा ये रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन को या क्रोमोज़ोम को डायरेक्ट अंदर होके क्या हाँ रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विथ जीनोम न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है इसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है इसीलिए ये डायरेक्ट अंदर जाता है जीनोम में काम करता है अगर सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइज एग बिगिनस टू डिवाइड ये फर्टिलाइज्ड एग है अब ये डिवाइड होने लगेगा ठीक है तो जब आपको इस एग को ट्रांसफ़र करना है एट सेल्ड स्टेज में तो आप कहाँ पे इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो जब एट सेल स्टेज का होगा तो कहां पे करेंगे सेवेंटी वन वेयर इन दिस एग ट्रांसफर्ड आफ्टर इट रीचेज सेल्ड स्टेज देखो आफ्टर बोला है अगर एट सेल तक करना है टिल एट सेल स्टेज आप कर दोगे फेलोपियन ट्यूब में और जिफ्ट हो जाएगा <laughs> लेकिन अभी वो आफ्टर पूछ रहा है कि अगर आठ सेल्ड से बड़ा होगा तो आप कहाँ उसको ट्रांसफर करेंगे तब आप उसको यूट्रस में करेंगे इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या जरूरी है बेटा ब्लड क्लॉटिंग के लिए फिब्रीनोज जरूरी है अगर रिकॉम्बिनेट इफ द रिकॉम्बिनेट डीएनए को आपने इंसर्ट कर दिया कोडिंग सीक्वेंस ऑफ दैक जेड जीन में तो होस्ट सेल जो कैरी करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को वो कैसी कॉलोनीज फॉर्म करेंगे वाइट कॉलोनी फॉर्म करेंगे है ना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए व्हाइट कॉलोनी फॉर्म करेगा अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लैक जेड जीन में डालेंगे और अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो वाइट कॉलोनी ठीक है अगर बड़ा हो जाएगा तो उसमें करेंगे बेटा यूट्रस में एट से छोटा रहेगा तो फेलोपियन ट्यूब में इनकरेक्ट कौन सा है इनकरेक्ट कौन सा है बोनीफिश अमोनोटैलिक रेप्टाइल यूरिकोटेलिक इंसेक्ट यूरिकोटैलिक बर्ड यूरियो हो नहीं होते हैं बर्ड भी यूरिको होते हैं इनको भी पानी बचाना होता है फर्टिलाइजेशन इन दी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाईवैक्स अकर्स इन सेवेंटी फाइव लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम वाईवैक्स की तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा ठीक है वेरी गुड फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा कोई कौन बच्चा अभी सिक्सटी फोर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है स्टमक ऑफ द मस्किटो मस्किटो का जो स्टमक होगा ना उसके अंदर होगा इन एस्कीडिया पता है ना एस्कीडिया साल्पा डोलियोलम किसका एग्जांपल है एस्कीडिया में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है एस्कीडिया में नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट होती है तो इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन दी लार्वल टेल जो स्ट्रक्चर मेल और फीमेल कॉकरोच का डिफरेंशिएट करते हैं वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है आपको आंसर पता ही है जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशियट करते हैं वो कौन सा है हाँ तो मैंने आपको एक बात हमेशा बोलती हूँ कि स्टाइल कौन मारता है मैम स्टाइल तो लड़के मारते हैं सही बात है तो एनल स्टाइल मेल में होगा फीमेल में नहीं होगा करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इसमें से आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा ठीक है तो इसमें जो करेक्ट होगा ठीक है इट विल बी हीम हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है और एक्टिव साइट ऑफ द कैटलेज एंड परोक्सीडेज एनसीआर में बायो मोलिक्यूल में लास्ट लाइनों में लिखा है ये सब को फैक्टर की तरह काम करते हैं हीम क्या होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है और यही एक्टिवेट करता है कैटलेज और परोक्सीडेज को बेटा ये क्लास डेली रात को आठ बजे होती आप है आप लोग आ जाया करो है ना एक्सेप्ट चलिए सारे जॉइंट सही मैच है कौन सा जॉइंट सही मैच नहीं है एटलस और एक्सिस के बीच में साइनोवियल जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस में स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है मतलब कार्पल और मेटाकार्पल में ग्लाइडिंग नहीं है क्या कार्पल और मेटाकार्पल में कौन सा होता है फिर ये कौन बताएगा कार्पल में और मेटाकार्पल में कौन सा होगा बताओ जल्दी से लेट मी उनको आउट दूंगी जो बताएंगे कि कौन सा होता है ग्लाइडिंग नहीं होता है ये गलत है ग्लाइडिंग नहीं होता है तो कौन सा होता है नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हैंडलेज लूप ठीक है सैडल जॉइंट होता है वेरी गुड ठीक है थैंक यू मयंक थैंक यू सैडल ज्वाइंट होता है बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो अरे हिंज नहीं होता सैडल होता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हैंडलेज लूप हैंडलेज लूप के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मोर देन पी सी टी सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन पी सी टी में होता है इट्स डिसेंडिंग लिम्ब इज इम परमिएबल टू वॉटर नहीं इट इज इम टू इलेक्ट्रोलाइट और परमीएबल टू वॉटर ठीक है ये भी गलत है असेंडिंग लिम्प इज दी कंसेंट्रेटिंग सेगमेंट नहीं बेटा डिसेंडिंग लिम्प कंसेंट्रेट करती है असेंडिंग डाइल्यूट करती है इसका मतलब कौन सा सही हुआ बस आखिरी वाला कि हैंडलेज लूप सिग्निफिकेंट रोल मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने, करने के लिए इंटरस्टिशियल फ्लूड का बेटा लास्ट दस क्वेश्चन बचे हैं जोश में आ जाओ मैं उन सभी बच्चों को बहुत अप्रिसिएशन देना चाहती हूँ जो इतनी देर क्लास में बैठ के नब्बे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना कंसिस्टेंसी तो चाहिए चलो अब बच्चे हुए रैपिड फायर करते हैं नर्व इम्पल्स को और क्या बोला जाता है नर्व इम्पल्स इज ऑल्सो नोन एज एक्शन पोटेंशियल चलिए बेटा ये वाला डायग्राम देखिए आपको बताना है कि ए बैंड को ये ए क्या है ये जो सी है ये क्या है ये डी क्या है मुझे लगता है बेटा ये आपको विजिबल नहीं है शायद विजिबल है कि नहीं है विजिबल है कर दो फिर विजिबल है तो एटी टू ठीक है तो इसका आंसर होगा ये ये होता है आपका ए बैंड ठीक है फिर ये होता है आपका आई बैंड फिर उसके बाद ये जो जेड ये जो लाइन प्रेजेंट होती है इट जेड लाइन और इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है दैट इज एच जोन रिफ्लेक्स एक्शन है ना ऐसा एस, रिफ्लेक्स एक्शन आया कि आपका जो भी स्टमक में कंटेंट था वो माउथ से बाहर निकल गया मैम इसी को तो हम वो बोलते हैं ना वॉमिट बोलते हैं हाँ जी इसी को वॉमिट बोलते हैं और वॉमिट किससे कंट्रोल होता है मेड्यूला इज दी कंट्रोल सेंटर फॉर दी वॉमिट हाइपो पैराथायरॉयडिज़म पैराथायरॉयड हॉर्मोन अगर कम हो जाता है तो हाइपो पैराथायरॉयड हो, हो जाता है ठीक है हाइपो तो इससे क्या होगा हाइपो कैल्समिक टिटानी हो जाएगी देखो पैराथायरॉयड क्या करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है अब पैराथायराइड कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और कैल्शियम कम होता है तो टिटनी होता है पता ही आपको रोंग स्टेटमेंट बताइए 85 का रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है लैक ऑफ मैंस्ट्रुएशन अगर मैंस्ट्रुएशन नहीं है तो प्रेगनेंसी हो सकती है क्या हो सकती है मैनू पॉज के बाद ब्लड के गोनेडोट्रोफिन बढ़ जाते हैं क्या हम्म बढ़ सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं ठीक है मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम हाँ। एंडोमेट्रियम जो सबसे इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की वो ब्रेकडाउन हो जाती है तो होता है 500 ml 500 ml मतलब आधा लीटर ब्लड डिस्चार्ज होगा क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में बॉडी में ही पाँच लीटर है तुम आधा लीटर कैसे डिस्चार्ज करोगे इट इज़ थर्टी टू फिफ्टी एम तो रॉन्ग होगा सेकेंड करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है आपको करेक्ट कौन सा है ठीक है करेक्ट बता दीजिए ये ट्रू नहीं होती है बेटा ये फ्लोटिंग होती है इतनी सारी फ्लोटिंग नहीं होती इलेवेंथ और ट्वेल्थ फ्लोटिंग होती है ये भी गलत है ट्रू हो जाएगा ये एक्जियल स्केलेटन मतलब बीच में जो आ रहा है स्कल वर्टिब्रल कॉलम स्टर्नम रिब्स ये सब एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वॉज प्रपोज बाय एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल ठीक है विच वन इज द मैचिंग पेयर मैचिंग पेयर कौन सा है एटी एट ठीक है तो एक्चुअल में दो हार्ट के साउंड होते एक होता है लब एक होता है डब लब इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द बाय स्पीड एंड ट्राइक स्पीड वॉल्व एंड डब इज ड्यू टू द्लोजर ऑफ द सेमी लूनार वॉल्व तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू टू इनकरेक्ट मैच आपको बताना है गलत मैच आपको बताना है रेडियली सिमेट्रिकल्स ओशन में ज़्यादा मिलते हैं वर्टिब्रेट्स बाइलेट्रल होते हैं सही बात है कोएनोसाइट्स स्पॉन्ज में प्रेजेंट होता है फूड ट्रैप करने में फिल्टर में हेल्प करता है सही है नियोप्लीना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालीजा एंड मोलस्का सही है ये गलत है तो एक्चुअल में जो आ, आ, क्या बोलते हैं टीनोफोर्स होते हैं कोम जेलिस इनमें न्यूमेटोसिस्ट नहीं होते इनमें सेल्स लासो सेल होते हैं न्यूमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन दिलेंड्रेट्स इन्हें हम निडेरिया बोलते हैं द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है गाइज जल्दी से आंसर कर दीजिए बताइए हाँ आपको क्या बताना है आपको बताना है कि कैसे मेजर करोगे द आंसर इज स्पायरोटर वेरी गुड बेटा वेरी नाइस आंसर एक्सीलेंट आप लोगों ने आज बहुत अच्छे आंसर्स करे अब आप मुझे ये बता दो कि आपके नाइन्टी में से कितने करेक्ट हैं आपके नाइन्टी में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं ये क्वे... ये क्लास डेली आठ बजे होती है आप इस क्लास को डेली आठ बजे ज्वाइन कर लिया करो डेली आठ बजे हम नाइन्टी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेली आठ बजे ज्वाइन कर लिया करो और अगर आज का सेशन आपको बढ़िया लगाओ तो डू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ठीक है हाँ आज बताओ बेटा आज कितने सही करे आपने सोमू मनिक्यम बैड बॉय अनुज काजल रचना जयंत मनीष अंकिता ठीक है एम्स कॉलेज बेटा बहुत ज़्यादा मार्क्स पर मिलता है इसके लिए अभी एक वीडियो डालती हूँ चलो मैं एम्स के कट ऑफ का कैटेगरी वाइज हाँ नीट का लेवल इसमें काम हो जाएगा जयंत तुम्हारा तो चलिए बहुत अच्छा रहा आज का सेशन कल रात को आठ बजे फिर मिलेंगे इफ़ यू हैव इंजॉयड टूडेज सेशन डोंट फर्गेट टू लाइक द वीडियो कल रात को आठ बजे फिर से मिलते हैं बाय बाय